पेड़ के नीचे आते ही फट जाते हैं, जहर भी इसी से उतारा जाता है। आज मैं आपको ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगी जिसके नीचे जाते ही सांप फट जाते हैं और इसी वृक्ष से जहर उतारा जाता है। दोस्तों, इस अनोखे वृक्ष का नाम है गरुड़ और शायद आपने ये नाम सुना भी हो। इसके पास आते ही सांप मर जाते हैं या फिर दो भागों में विभाजित हो जाते हैं। दोस्तों, इस वृक्ष पर नाग ही लटकते हैं। यह सुनकर आपको हैरानी जरूर हो रही होगी, लेकिन ये सच है। गरुड़ वृक्ष ना तो आसानी से उगता है न मिलता है। इस प्रजाति के वृक्ष अमरकांडा और सतपुड़ा के घने जंगलों में बड़ी मुश्किल से ही देखने को मिलते हैं। बताया गया है कि गरुड़ वृक्ष सांपों के लिए काल माना जाता है। सांप इसके नजदीक भी नहीं भटकते, पर यदि गलती से इसके पास चले भी जाएं तो उनकी मौत हो जाती है। ऐसा माना जाता है गरुड़ सांपों के दुश्मन हैं, जिसकी वजह से ही इनके पास आने से ही सांप मर जाते हैं। कहते हैं इस वृक्ष के कुछ ऐसे रसायनों का श्राप होता है जिसकी वजह से सांपों की मौत हो जाती है। इस वृक्ष की पत्तियों का प्रयोग पूजा में भी होता है और इस वृक्ष पर जो फल उगते हैं वह तक्षनाग के आकार के होते हैं। रामायण आपने सुनी भी होगी और देखी भी होगी। रामायण में मेघनाथ ने जब लक्ष्मण पर नागपाश का वार चलाया तो श्री रामचंद्र जी के लक्ष्मण नागों से गिर चुके थे और उनके शरीर को नागों ने जकड़ लिया था। तब उस समय गरुड़ के उन नागों को काट कर लक्ष्मण जी को मुक्त कराया था। यह कारण है इस वृक्ष के नीचे आते ही सांप दो हिस्सों में फट जाते हैं या मर जाते हैं। इसके अलावा यह भी माना गया है जो भी व्यक्ति इस वृक्ष को अपने घर या आंगन में लगाता है उस व्यक्ति के घर धन की कमी नहीं होती। और इस वृक्ष की जड़ों से उन लोगों का इलाज किया जाता है जिन्हें सांप काट जाता है, और ज्यादातर सपेरे इसी की जड़ का इस्तेमाल करते हैं। ये थी SM News की रिपोर्ट।